पापा जी भूरी गाय गाय नहीं है वो बैल है, जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ यार। तू तो कहता तू सिर्फ उससे प्यार करता है। अच्छा प्यार कर सकता हूँ, सो नहीं सकता। कौन आएगा जानवी और लक्ष्य के पेरेंट्स के किरदार में नजर? कहां होगी इस बार दोस्ताना की शूटिंग? क्या दोस्ताना के किसी गाने का बनेगा रीमेक? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं करण जौहर की दोस्ताना 2 के बारे में, जो 2008 में आई दोस्ताना का रीमेक है। और साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन आएगा सिंगल पेरेंट के रोल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 2008 में रिलीज हुई दोस्ताना में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब अभिषेक यानी सैम की मां मिसेज आचार्य यानी कि किरण खैर उनके घर पर आती है और जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा एक लड़के से प्यार करता है और तब हमें उस वक्त का सबसे पॉपुलर गाना मादा लाडला बिगड़ गया सुनने को मिलता है। इस फिल्म में तो सैम और कुणाल गे होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन दोस्ताना 2 में सच में हमें एक गे कपल दिखने को मिलेगा। दोस्ताना में किरण खेर की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग थी और वो सैम की माँ के रोल के लिए एक परफेक्ट फिट थी। दोस्ताना 2 में जानवी कपूर और न्यू कमर लक्ष्य लालवानी दोनों भाई बहन के रोल में होने वाले हैं, जिनको एक ही लड़के से प्यार होता है। तो अब उन दोनों के पेरेंट्स के किरदार के रोल में कौन आने वाला है, ये सोचने वाली बात है। इस रोल के लिए करण जौहर किरण खेर को कास्ट कर सकते हैं या फिर डिंपल कपाड़िया भी ऐसे रोल के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। दीपिका सैफ और डियाना की फिल्म कॉकटेल में उन्होंने सैफ की मां का रोल प्ले किया था, जो काफी काबिले तारीफ था और वो रोल किरण खेर के मिसेज आचार्य के रोल से काफी मिलता जुलता भी है। ऐसा भी हो सकता है कि दोस्ताना 2 में इस बार मां की जगह बाप की एंट्री हो। इसका जवाब यह है कि जवानी और लक्ष्य की मां की जगह पिता आए फिल्म में, क्योंकि दोस्ताना की रीमेक में करण ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं, तो इस चेंज की भी पूरी पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा होता है तो उनके पिता का रोल के लिए कौन आएगा? तो इस रोल के लिए पंकज त्रिपाठी एक बेहतर चॉइस होंगे। वो गुंजन सक्सेना में जानवी के पिता के रोल में थे और साथ ही वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, जिन्हें कोई भी रोल दिया जाए वो बेस्ट परफॉर्मेंस ही देते हैं। उनके अलावा अनुपम खेर भी वन ऑफ द बेस्ट डैड्स ऑफ बॉलीवुड हैं और उनकी एक्टिंग की तो बात ही अलग है। हाल ही में आई द कश्मीर फाइल्स में उन्होंने सभी एक्टर्स को पीछे ही छोड़ दिया। अब देखना यह होगा कि करण जौहर किसे चूज करते हैं। इसके साथ साथ सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बार भी दोस्ताना 2 की शूटिंग आउट ऑफ द कंट्री होगी। दोस्ताना में हमें यूएसए दिखाया गया था और लगभग पूरी फिल्म की शूटिंग यूएसए की अलग अलग सिटीज में हुई थी, तो क्या इस बार हमें कोई इंटरनेशनल लोकेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि लंदन, पेरिस या फिर स्कॉटलैंड? या फिर इस बार करण जौहर फिल्म की शूटिंग के लिए अपना देश इंडिया ही चुनेंगे, क्योंकि आजकल मेक इन इंडिया की काफी डिमांड है। साथ ही दोस्ताना के गाने भी सुपरहिट थे। दोस्ताना में किसी एक गाने का तो रीमेक बनेगा ही, स्पेशली माँ का लाडला बिगड़ गया और देसी गर्ल, ये दोनों सबसे पॉपुलर थे। इनमें से किसी एक गाने का रीमेक बनना ही चाहिए। आपके हिसाब से दोस्ताना के कौन से गाने का रीमेक बनना चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।